और अब आप देखने जा रहे हैं रूपकुंड का रहस्य, भारत के 10 सबसे बड़े रहस्यों में से एक, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से सुलझाया नहीं जा सका। उत्तराखंड में 5000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर बर्फ से घिरी एक झील है रूपकुंड। रूपकुंड अनगिनत कथाएं हैं और कई रहस्य अपने में समेटे हुए हैं। यह झील 200 से ज्यादा नरकंकालों से भरी हुई है, आसपास की बर्फ में भी दबी हुई हैं अनगिनत हड्डियां। इस इलाके में नरकंकाल 10 फीट तक लंबे हैं। आखिर इतने लंबे इंसान कौन थे? आखिर इतने सारे नरकंकाल इतनी ऊंचाई पर कैसे आज तक दफन है? वहां मिली है 13 नंबर तक की बड़ी चप्पल। आखिर वो अभागे कौन थे जो रूपकुंड के आसपास मारे गए? क्या ये हिमालय में हुए किसी महायुद्ध के भूले बिसरे निशान हैं, या इंसानी बलि का परिणाम, या कोई महामारी, या कुछ और? ऐसे अनगिनत रहस्यों को समेटे रूपकुंड की पड़ताल करने निकला आईबीएन 7। ये यात्रा और खुद रूपकुंड हमें हैरान कर गया। चारों तरफ जमी बर्फ और बीच में पानी से भरा एक कुंड और उसके आसपास तैरती ढेरों दंत कथाएं। आइए आपको भी ले चलते हैं रूपकुंड में, आप खुद देखिए उत्तराखंड में मौजूद इस बड़े रहस्य को खुद अपनी आंखों से। यह है चमोली जिले का गोपेश्वर इलाका। कुदरत ने इसे बेपनाह खूबसूरती बख्शी है। बर्फीली पहाड़ियों के बीच बसा यह इलाका धार्मिक आस्थाओं का केंद्र है। इसकी एक खास वजह है नंदा देवी का मंदिर। इसके आसपास के गांव कासवा नौटी और चांदपुर गढ़ी को भगवान शिव की अर्धांगिनी पार्वती का मायका भी कहते हैं। नंदा देवी जाने के रास्ते में ही पड़ता है रूपकुंड। यहीं पर सैकड़ों बदनसीब लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, कोई नहीं जानता कैसे, लेकिन यहाँ के लोगों के मुताबिक वो आज भी जिंदा हैं। वहाँ भूत पिशाच रहते हैं, वो डराते हैं, मतलब अटिया है उधर, वो खून भी आते हैं उधर। गोपेश्वर से रूपकुंड के लिए करीब 140 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। हरी भरी वादियों से गुजरते हुए हमने करीब 95 किलोमीटर का सफर तय किया और जा पहुंचे लोहजंग। खूबसूरत नजारे और सीधे साधे बाशिंदे, कुदरत की गोद में आकर मानो समय ठहर सा जाता है। यहाँ पर हमें उतरना पड़ा, इसके आगे हमारी गाड़ी नहीं जा सकती। अब हमें एक खास तरह की जीप में सवार होकर जाना होगा। पहाड़ी और ऊपर खाबड़ रास्तों के लिए माकूल इस जीप को पिकअप गाड़ी कहा जाता है। इसी जीप पर हम जा पहुंचे आखिरी इंसानी बस्ती वाण गांव में। समुद्र तल से 2510 मीटर की ऊंचाई पर बसा वाण गांव, यानी कि रूपकुंड से पहले इंसानों की आखिरी बस्ती। यहां से रूपकुंड तक की दूरी 28 किलोमीटर की है, जिसे पैदल ही तय करना पड़ता है, लेकिन सकरे और खतरनाक पहाड़ी रास्तों की वजह से इसे तय करने में 48 घंटे का वक्त लग जाता है। हमारी मंजिल अब यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अब तक का रास्ता हम आसानी से तय कर चुके हैं, मगर आगे का सफर भी आसानी से तय हो पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। रूपकुंड तक पहुँचने के लिए हमें स्थानीय लोगों की जरूरत पड़ेगी, उन्हें यहाँ के रास्तों की अच्छी तरह जानकारी है। तो वहीं पर पहुंच पाए तो वहां रह गए। रात को ऐसा हुआ कि वहां रहने से उन नरकंगालों का यानी पूरा आदमी जैसे घेरा पड़ गया, बहुत बड़े बहुत ज्यादा हो गए वहां पे। और आखिरकार हमने ऐसे लोगों को ढूंढ निकाला जो हमें नरकंकालों की झील तक पहुंचा सकते हैं, मगर इन लोगों की एक शर्त है। अगर रूपकुंड के रास्ते पर आगे बढ़ना है तो इस शर्त को मानना होगा, वरना कोई भी हादसा हो सकता है। हम दिल थाम कर उस शर्त के पूरा होने का इंतजार करने लगे। रूपकुंड
रूपकुंड तक सुरक्षित पहुंचना है तो बाणगांव के लाटू देवता की पूजा जरूरी है, वरना कोई हादसा हो सकता है, ऐसा यहां के लोगों का मानना है। आस्था और विश्वास का प्रतीक ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। मन्नत मांगने वाले यहां घंटियां बांधते हैं। लोगों को भरोसा है कि लाटू देवता की पूजा से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ लाटू देवता की पूजा शुरू हुई। लाटू देवता की जय। लाटू देवता की जय। कुछ देर बाद सारे लोग मंदिर के ठीक बगल वाली जगह पर इकट्ठा हो गए। औरत और मर्द एक दूसरे का हाथ पकड़ स्थानीय गढ़वाली बोली में लोकगीत गाने लगे। ये गीत नंदा देवी और उनके मुंह बोले भाई लाटू देवता के सम्मान में है। वो आगे बढ़ने को लाडू पूजा करते हैं, वो भी यात्रा सफलता होती है उनकी पूजा। कोई छल मशाल भूत पिजाज कोई वो नहीं होता है। सुरक्षित चाहे कोई रूपकुंड जाओ, हुमकुंड जाओ, कहीं भी जाओ सुरक्षित। गीत गाती महिलाओं और पुरुषों के बीच जमीन पर खामोश बैठी कुछ लड़कियां भी थीं। वे अविवाहित थीं। ये यहाँ की परंपरा का हिस्सा है। कुंवारी लड़कियों के इर्द गिर्द खड़े होकर ये गीत गाए जाते हैं। लाटू देवता के आह्वान के साथ ही रूपकुंड जाने की तमाम औपचारिकताएं पूरी हो गईं। अब वाण गांव का कोई भी आदमी किसी पर्यटक या फिर किसी बाहरी आदमी के साथ रूपकुंड जा सकता है। सुबह होते ही हम वाण गांव से आगे के सफर पर चल पड़े। अब 30 किलोमीटर का सफर हमें पैदल चढ़ाई चढ़ते हुए तय करना है। इस सफर में हमारे नए साथी हैं 4 पोर्टर और 4 घोड़े। आगे किस्मत में क्या बदा है हमें नहीं मालूम। जमीन धंसने के वाकई यहां आम हैं। 75 से 90 डिग्री की खड़ी चढ़ाई मुंह चढ़ा रही होती है। मौसम की बदमिजाजी कभी भी खतरनाक रूप ले सकती है। सकरे पहाड़ी रास्तों पर घोड़े की सवारी आसान नहीं होती। घोड़ा जरा सा भिदका नहीं कि आप हजारों फीट गहरी खाई में गिर सकते हैं। मगर रूपकुंड का अपना सम्मोहन है, हमें रूपकुंड बुला रहा है। मुश्किलों के बावजूद सफर जारी रखना होगा। कभी हम थक गए तो रुक गए, प्यास लगी तो पहाड़ी झरनों का पानी पी लिया, कुछ देर बाद फिर आगे बढ़ चले। आखिरकार तमाम खतरों को पार करते हुए हम जा पहुंचे हरी भरी घास के मैदान बेदनी बुग्याल में। आखिरी इंसानी बस्ती वांड से चले हुए करीब 14 घंटे बीत चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं समुद्र तल से करीब 3600 मीटर की ऊंचाई पर बसे बेदनी बुग्याल में। यही हमारा आज का रात का पड़ाव होगा। यहाँ से अभी 20 घंटे का सफर और बाकी है, जिसके बाद हम पहुंच जाएंगे रूपकुंड में, उस जगह पर जहाँ सदियों से सैकड़ों नरकंकाल रहस्यमय तरीके से बिखरे हुए पड़े हैं। यहाँ के चप्पे चप्पे पर इतिहास और दंत कथाएं बिखरी हुई हैं। कहते हैं भगवान शिव और पार्वती का विवाह इसी जगह पर हुआ था। माना जाता है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध भी यही किया था। महर्षि वेदव्यास ने वेदों की रचना भी यही की थी। बेदनी बुग्याल से आगे औरतों का जाना मना है, अगर वो आगे चली जाएं तो इसे छूत माना जाता है। कहते हैं इस वजह से भारी बर्फबारी होने लगती है, कोई ना कोई हादसा होकर रहता है। बताते हैं अगर यहाँ से आगे अगर औरत चली गई तो छुआछूत बोलते थे कि छोत हो गई। छोत का मतलब कि ओलावृष्टि होती थी, जो लोग जाते थे वो परेशान हो जाते थे, बारिश बर्फबारी कहीं चट्टान खिसकना, तो ये चीज इसलिए यहाँ से आगे औरतें नहीं जाती थी।
वेदिनी बुग्याल में रहस्यों और इतिहास की परतें टटोलते हुए वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला। रात हो चुकी थी, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, हम अपने शेल्टर हाउस में वापस आ गए। वेदिनी बुग्याल में रात गहरी हो चुकी है, बाहर कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इस छोटे से शेल्टर हाउस में आज रात गुजारने के बाद कल सुबह से हम रूपकुंड के लिए आगे की यात्रा शुरू करेंगे। लेकिन कुदरत की सत्ता अपनी ताकत का एहसास कब और किस रूप में कराएगी कौन जान सकता है। वेदिनी बुग्याल की सर्द रात तो आराम से गुजर गई, लेकिन आगे एक अनहोनी हमारा इंतजार कर रही थी। और जैसे जैसे आईबीएन 7 की टीम रूपकुंड के करीब पहुंच रही थी, रास्ते की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। वेदिनी बुग्याल से आगे हमारी टीम पहुंची केलू विनायक। केलू विनायक यानी वो जगह जहां से रूपकुंड की दूरी महज 17 किलोमीटर है, लेकिन इस दूरी को तय करने में 2 दिन का वक्त लग जाता है क्योंकि रास्ता बेहद खराब है और अगर मौसम ने साथ नहीं दिया तो यह रास्ता और मुश्किल हो जाता है। हमारी टीम धीरे धीरे अपनी मंजिल यानी रूपकुंड की तरफ बढ़ रही थी, आगे इंतजार कर रहे खतरे से अनजान। वेदिनी बुग्याल से आगे का सफर अब तक का सबसे मुश्किल सफर साबित हुआ। यहाँ से रूपकुंड 17 किलोमीटर दूर है, 9 किलोमीटर का सफर तय कर हम केलू विनायक पहुँचे। यहाँ हमने घोड़ों को छोड़ दिया, यहाँ से आगे घोड़े नहीं जा सकते। करीब 1 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई के बाद हम पक्कू बासा पहुंचे, लेकिन तभी भारी बर्फबारी शुरू हो गई। तेज सर्दी और खराब मौसम की वजह से हमारे कैमरों ने काम करना बंद कर दिया, इसलिए हम आपको स्टिल तस्वीरें दिखा रहे हैं। किसी तरह 7 किलोमीटर का सफर हमने तय कर लिया, लेकिन अभी आखिरी 1 किलोमीटर बाकी था। बर्फ से ढके पहाड़ बाहें फैलाए हमें बुला रहे थे। खड़ी चढ़ाई और ऑक्सीजन की कमी के बावजूद हम रूपकुंड तक जा ही पहुंचे और इस तरह हम रूपकुंड को फतह करने वाले दुनिया के सबसे पहले न्यूज चैनल बन चुके थे। लेकिन सदियों से अनसुलझे सवाल अब भी बरकरार थे। सैकड़ों साल पहले रूपकुंड में मारे गए लोगों का रहस्य अब भी बना हुआ था। क्या वो सचमुच 10 फीट लंबे थे? क्या वो 13 नंबर की चप्पल पहनते थे? जिन सवालों के साथ हमने ये सफर शुरू किया था, मंजिल पर पहुंचने के बाद वो और गहरा गए। हमारा सामना ऐसी ऐसी हैरतअंगेज वास्तविकताओं से हुआ कि हमारे होश उड़ गए। रूपकुंड के रहस्य और नंदा देवी राजजात यात्रा का आपस में गहरा संबंध है। एक मान्यता है कि रूपकुंड में मारे गए लोगों के कंकाल तीर्थयात्रियों के हैं। ये तीर्थयात्री नंदा देवी राजजात यात्रा के लिए निकले थे, बर्फीले तूफान में फंसकर जान गंवा बैठे, मगर सच्चाई क्या है इस पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। हमारी कोशिश है कि हम रूपकुंड के नरकंकालों के रहस्य से पर्दा उठा पाए, लेकिन हम कामयाब होंगे या नहीं ये अभी कहना मुश्किल है। कहा तो यह भी जाता है कि 15वीं सदी में गढ़वाल के राजा ने अपने पुरोहित के साथ नंदा देवी राजजात यात्रा शुरू की। उनका मकसद रूपकुंड में मारे गए अपने पूर्वजों, जो अपनी गर्भवती पत्नी और नर्तकियों के साथ मारे गए थे, की दर्पण देना था। सच्चाई मिथकों और लोक कथाओं के साथ घुल मिल गई है। नंदा देवी राजजात यात्रा हर 12 साल में एक बार होती है। दुनिया की सबसे लंबी ये पदयात्रा
18 दिन में पूरी होती है। पर्वतराज हिमालय की बेटी नंदा देवी को भगवान शिव के घर कैलाश पर्वत तक विदाई के लिए ले जाया जाता है। ये यात्रा चमोली जिले के कांसवा नौटी गांव से शुरू होती है और होमकुंड में जाकर खत्म होती है। होमकुंड से 8 किलोमीटर पहले पड़ता है रूपकुंड। तीर्थयात्री रूपकुंड के लिए नहीं मुड़ते, सीधे आगे निकल जाते हैं। नंदा देवी राजजात के दौरान मेले का सा माहौल होता है। पालकी में सवार नंदा देवी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। सबसे आगे आगे चलता है चार सींग वाला मेढ़, जिसे स्थानीय भाषा में चौसिंघिया कहा जाता है। कहते हैं चार सींग वाला ये मेढ़ भी 12 साल में एक बार पैदा होता है। जैसे बेटी को विवाह के बाद विदा किया जाता है, वैसे ही पूरी धूमधाम के साथ नंदा देवी की पालकी को ले जाया जाता है। सारा माहौल माँ नंदा देवी के लोकगीतों से सराबोर हो जाता है। जिस रास्ते से होमकुंड पहुंचा जाता है, उसी रास्ते से यात्री वापस नहीं आते। वापसी का रास्ता दूसरा होता है। हिमालय की गोद में नरकंकालों की झील, सदियों से नरकंकाल जहां नींद में है, सदियों से दफन है जिंदगी के निशान। कहते हैं इंसान यहां 10 फुट लंबे थे। कहते हैं वे 13 नंबर की चप्पल पहनते थे। कौन थे ये लोग, कहां से आए, कहां जा रहे थे? रूपकुंड कैसे बन गया इनकी मौत का कुंड? एक ऐसा रहस्य जो इतिहासकारों से लेकर वैज्ञानिकों तक का इम्तिहान लेता रहा है। एक ऐसी खोज जो कभी खत्म नहीं होती। मिथकों और दंत कथाओं का ऐसा जाल जो काटे नहीं कटता। क्या है रूपकुंड के नरकंकालों का सच? क्या कोई कुछ जानता है? हम और आप जानते हैं तो बस रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से। सच क्या है, ये तलाश हमें इन खतरनाक बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ने को मजबूर कर रही है, जहां चारों ओर रहस्य का घना कोहरा है। मामूली सी चूक जहां मौत को दावत देती है। सर्दी इतनी कि हाथ पैर गलने लगते हैं। ऑक्सीजन की कमी ऐसी कि लगने लगता है दिमाग की नसें अब फटी तब फटी। हमें नहीं मालूम कि रूपकुंड के नरकंकालों के रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे या नहीं। हमें नहीं मालूम मिशन रूपकुंड हमें क्या कुछ दिखाने जा रहा है। आगाज हो चुका है, लेकिन मिशन रूपकुंड का अंजाम कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। अभी तक की कहानी में आपने देखा कि कैसे हमारी टीम कई चुनौतियों से गुजर रही थी। कैमरा तक खराब हो चुका था और मौसम बहुत ही खराब। कई दिनों की मशक्कत और मौसम की मार को झेलते हुए आईबीएन 7 की टीम रूपकुंड की तरफ बढ़ती रही। हमारी टीम रूपकुंड से 17 किलोमीटर दूर केलू विनायक और वग्गुवासा का सफर तय कर चुकी थी। अब हमारी टीम की नजर अपनी मंजिल पर है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि आईबीएन 7 की टीम ने चमोली से बग्गुवासा तक का सफर कैसे तय किया। रूपकुंड, जिसकी बर्फीली वादियों में छिपे हैं सदियों पुराने राज, सैकड़ों लोगों की मौत की गुत्थी, 10 फीट लंबे इंसानों की कहानी। हमारे पास बकरे थे तो वहीं पर पहुंच पाए तो वहां रह गए। रात को ऐसा हुआ कि वहां रहने से उन नरकंकालों का इन्हें पूरा आदमी जैसे घेरा पड़ गया। बहुत बड़े बहुत ज्यादा हो गए वहां पे। पिताओं में तैरते धार्मिक विश्वास। बोलो सर्वसाधारणों की जय, बोलो अतिथि गणों की जय, और हिमालय की गोद में रची बसी परंपराएं।
कर रहे हैं इतिहास और मिथकों में गुम हकीकत की तलाश। अभी 20 घंटे का सफर और बाकी है जिसके बाद हम पहुंच जाएंगे रूपकुंड में, उस जगह पर जहां सदियों से सैकड़ों नरकंकाल रहस्यमय तरीके से बिखरे हुए पड़े हैं। क्या खुल पाएगा सदियों पहले मारे गए लोगों का राज? कंकालों की झील रूपकुंड का सफर अभी जारी है। IBN 7 की टीम रूपकुंड के बेहद करीब थी। जैसे जैसे हम रूपकुंड के पास पहुंच रहे थे वैसे वैसे उससे जुड़ी कहानियां हमारे सामने आ रही थीं। रूपकुंड के आसपास बिखरे सैकड़ों नरकंकालों के बारे में तरह तरह के किस्से सुनने को मिल रहे। आखिर हिमालय की गोद में बसे रूपकुंड के आसपास एक साथ इतने सारे लोग पहुंचे कैसे? इससे भी बड़ा सवाल यह कि ये नरकंकाल किसके हैं? क्या इन लोगों की मौत किसी युद्ध में हुई थी या फिर अंधविश्वास के नाम पर इनकी बलि चढ़ा दी गई? हर कदम के साथ गहराते जा रहे इन रहस्यों का जवाब तलाशने के मकसद से हमारी टीम रूपकुंड की ओर बढ़ रही थी। नरमुंडों में तब्दील हुए ये लोग किस हादसे का शिकार हुए ये आज भी पहेली बना हुआ है। ये किसी महामारी का शिकार हुए या कुदरत ने इन्हें मौत की आगोश में ले लिया, इस बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। 10 फीट तक ऊंचे नरकंकालों को देखकर इन्हें हिम मानव येती भी बताया जाता है क्योंकि इंसान इतना लंबा नहीं हो सकता। इसको लेकर कई किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। वैसे विशेषज्ञों का मानना है कि रूपकुंड में मरने वाले भारतीय ही थे और इनकी उम्र 18 से 45 साल के बीच रही होगी। कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा की एक टुकड़ी यहाँ तूफान में फंस गई थी जिसकी वजह से सारे सैनिक खत्म हो गए। ये कंकाल उन्हीं के बताए जाते हैं। कंकालों की कार्बन डेटिंग भी इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये कंकाल 14वीं शताब्दी के ही हैं। परंपरागत मान्यता के मुताबिक ये लोग साधारण मानव नहीं थे। बिल्कुल इसमें सच्चाई है। इसमें अभी कल किसी ने हमसे बताया, ये सिफट जो होते हैं उसने हमको कहा कि आप रात वहाँ मत रुके, अमावस्या की रात्रि को यहाँ पे लोकल भाषा में उसने कहा कि मसान जागृत हो जाता है। इसका मतलब कि उसने भी झूठ नहीं बोला होगा, देखा होगा। उसने हमसे कहा कि मैंने अमावस्या की रात्रि को वहाँ पे मसान देखा है और तब मैंने माँ नंदा का स्मरण किया और तब जाके मेरी जान बच पाई। तो इस प्रकार की ये मान्यताएं हैं और इस प्रकार का होता भी है। देवभूमि में ये सब जायज है और होता है। कहते हैं सबसे पहले मधवाल नाम के एक फॉरेस्ट रेंजर ने 1942 में रूपकुंड के नरकंकालों को खोज निकाला था, लेकिन रूपकुंड के बनने के पीछे भी एक लोक कथा है। कहते हैं कैलाश पर्वत पर घूमते घूमते पार्वती जी की इच्छा अपना चेहरा देखने की हुई। उन्होंने शिव जी से अपनी इच्छा जाहिर की। शिव ने पार्वती की इच्छा पूरी करने के लिए इस जगह पर त्रिशूल गाड़ दिया जिसकी वजह से यहाँ पानी का कुंड बन गया। इसी पानी में पार्वती ने अपना चेहरा देखा, तभी से ये रूपकुंड के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन इन कंकालों के बारे में अभी तक सिर्फ अनुमान ही लगाए जा सके हैं। ये कौन लोग थे, कैसे इस वीराने में आ गए, इन सवालों का जवाब जानने के लिए इंसानी जद्दोजहद अभी तक जारी है। रूपकुंड में पाए गए नरकंकालों के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। कहा तो ये भी जाता है कि उस वक्त उत्तरी गढ़वाल के गांव और मंदिरों में नरबरी बड़े पैमाने पर दी जाती थी। हर 12 साल बाद एक बूढ़े आदमी को चुना जाता था। उसके केश और नाखून काटकर नंदा देवी के नाम पर उसके सिर पर चावल, तिल, उड़द, फूल, हल्दी और पानी डालते थे। उसका अंतिम संस्कार उसके मरने से पहले ही कर दिया जाता था। वो आदमी सिर्फ एक बार ही खाना खाता था। कुछ वक्त बाद उसकी मौत हो जाती थी।
कहते हैं ये कंकाल नरबलि की भेंट चढ़े लोगों के ही हैं। ऐसा लगता है कि मिथक और वास्तविकता आपस में इस कदर घुल मिल गए हैं कि उन्हें अलग करना काफी मुश्किल काम है। दो साल पहले हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर और मॉलिकुलर बायोलॉजी विभाग ने यहाँ के कंकालों के कुछ अंश डीएनए जांच के लिए लिए। जांच की शुरुआती रिपोर्ट में ये पाया गया कि यहाँ मरने वाले लोगों की खोपड़ियों में एक अतिरिक्त हड्डी है। इसी आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ मरने वाले लोग हिंदुस्तान के किस हिस्से के रहने वाले थे। रूपकुंड में पाए गए नरकंकालों की खोपड़ी में फ्रैक्चर के निशान हैं। इसके आधार पर यह नतीजा निकाला गया है कि लोग किसी बीमारी नहीं बल्कि बर्फीले तूफान का शिकार हुए होंगे। छिपने की कोई भी जगह न होने से शायद ये सब मारे गए होंगे। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये समूह यहाँ आया कहाँ से और कहाँ जा रहा था। अनुमान ये भी लगाया जाता है कि ये लोग व्यापार के सिलसिले में तिब्बत जा रहे थे। एक धारणा ये भी है कि मुगल शहंशाह औरंगजेब के चंगुल से बचने के लिए गढ़वाल के श्रीनगर राज्य में शरण लेने वाले मुगल शहजादे सुलेमान का अंत रूपकुंड में हुआ था। कुछ लोगों का कहना है कि मोहम्मद तुगलक के विजय अभियान का समापन रूपकुंड हादसे में हुआ। ये कंकाल उसी के सैनिकों के हैं। एक मत ये भी है कि जब इस इलाके में भयंकर बीमारियां फैलती थी तो गांव वाले मृतकों के शव झील में डाल दिया करते थे। लेकिन इतिहासकार बिल एटकिन रूपकुंड के कंकालों को डोगरा जनरल जोरावर सिंह के सैनिकों का बताते हैं। उसने 1834 में लद्दाख को अपने कब्जे में कर लिया था। लौटते हुए उसके सैनिक बर्फीले तूफान का शिकार हो गए। कुछ लोग इसे सामूहिक आत्महत्या से जोड़ते हैं जो गढ़वाल में गोरखा शासन से लेकर ब्रिटिश राज तक होती आई थी। रूपकुंड में मारे गए लोगों के बारे में इस तरह से कई बातें कही जाती हैं, मगर सच्चाई इतिहास के पन्नों और किस्से कहानियों में गुम सी हो गई लगती है। हिंदुस्तान के 10 सबसे बड़े रहस्यों में से एक रूपकुंड के रहस्य पर हमारी खास पड़ताल लगातार जारी है। तमाम रहस्यों को अपने आगोश में समेटे रूपकुंड हमारे सामने था और इसके आसपास बिखरे पड़े थे तमाम निशान। हर निशान अपने आप में एक सवाल, अपने आप में एक रहस्य। आईबीएन 7 की टीम के साथ मौजूद पर्यटन एक्सपर्ट ने बताया कि रूपकुंड के आसपास बिखरे नरकंकाल 600 से 800 साल पुराने हैं। ये है 5029 मीटर की ऊंचाई पर त्रिशूल चोटी की गोद में स्थित रूपकुंड। हर तरफ दिल को मोह लेने वाले मंजर, लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा यहाँ पसरा रहता है। इस सन्नाटे में दबी हुई है कई रहस्यमय कहानियां और छिपे हुए हैं रोंगटे खड़े कर देने वाले राज। लोग यहां आने की हिम्मत कम ही करते हैं। हर 12 साल बाद नंदा देवी राजजात यात्रा रूपकुंड के करीब से होकर गुजरती है, लेकिन दहशत और खतरनाक बर्फीले रास्ते की वजह से कोई भी इधर का रुख नहीं करता। रूपकुंड के आसपास के गांव वाले यहां के नरकंकालों से खौफ खाते हैं। उनका मानना है कि जिसने भी यहां के नरकंकालों के रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। शायद इसीलिए सदियों से बने रहस्य अब भी बरकरार हैं। चारों ओर बर्फ की चादर में लिपटी इन वादियों को देखकर नहीं लगता कि सैकड़ों साल पहले कुदरत ने यहाँ मौत का खेल खेला होगा, लेकिन ये ऐसी हकीकत है जिसके निशान रूपकुंड में अब भी मौजूद हैं। इस इंसानी खोपड़ी और हड्डियों को गौर से देखिए। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये 600 से 800 साल पुरानी है, हालांकि वैज्ञानिक इन्हें करीब 1500 साल पुरानी बताते हैं। इतना ही नहीं,
हजारों साल पहले कुदरत के कहर का शिकार हुए लोगों के दांत भी अभी तक यहाँ साबुत पड़े हुए हैं। ये हैरत की बात है कि 600 से 800 साल पहले मारे गए इंसान की टांगों पर मांस अभी भी बाकी हैं। इन विशाल हड्डियों, मांस के लोथड़ों और लंबी चप्पल को देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि ये 10 फुट तक लंबे इंसान रहे होंगे। बताया जाता है कि रूपकुंड में बर्फ के नीचे हजारों नरकंकाल दबे हुए हैं। यहाँ तक कि कई शरीर अब तक साबुत हैं, लेकिन बर्फ में खुदाई करना खतरे से खाली नहीं है। पता नहीं कब ग्लेशियर निकल आए और वहीं आपकी कब्र बन जाए। हमारी टीम के साथ आए गढ़वाल विश्वविद्यालय के लेक्चरर हेमंत बिष्ट ने हमें रूपकुंड के नरकंकालों के बारे में कई दिलचस्प बातें बताई। इस समय हम 5,029 मीटर की हाइट पे खड़े हैं और ये यहाँ पे आप मानव कंकाल देख रहे होंगे। ये मनुष्य की खोपड़ी है और ये लगभग कार्बन डेटिंग से इसका आइडिया लगा के हम बता सकते हैं कि ये लगभग 800 साल पुरानी है और इस पे अभी भी ये मांस अटैच है। ये हड्डी, ये पांव की हड्डी आप देख रहे हैं और इस हड्डी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मनुष्य लगभग 10 फीट लंबे रहे होंगे। और आप इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पूरे मांस का एक बहुत बड़ा टुकड़ा यहाँ पे मनुष्य का अभी भी मौजूद है। बर्फ का ये कब्रिस्तान दुनिया भर के रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। रूपकुंड के इर्द गिर्द फैले नरकंकालों पर इतिहासकारों और वैज्ञानिकों की बहस आज तक जारी है।